तो यहाँ पे जितने लोग नेवी या कोस्ट गार्ड में कंट्रीब्यूशन दिए हैं उनके बारे में लगा हुआ है, प्लस जितने भी शिप हो गए, हमारा जैसा आप देख सकते हैं नीचे विराट है और भी बहुत सारे विक्रांत ऐसे सारे शिप हैं, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज आपको घुमाने वाले हैं नवल एविएशन म्यूजियम दैट इज इन गोवा। तो चलिए चलते हैं अंदर, ये रहा अंदर का कुछ सीन, तो अभी जाते हैं फिर अंदर। बहुत ही अच्छा ये म्यूजियम है सुना है, तो उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छी म्यूजियम है, बहुत बड़ी है और गोवा में है तो अच्छी तो होगी। दिखाते हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, फाइटर्स हैं एंड देर आर मेनी मोर थिंग्स। ओके, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरटेनमेंट मिलने वाली है आपको। तो ये रहा बाहर का रास्ता अंदर जाने का, चलते हैं और देखते हैं। इधर है अंदर, आपको टिकट लेके जानी होंगी। तो ये रहा हमारे पुराने जमाने का शिप, और भी दिखाते हैं आपको। ये रहा एविएशन म्यूजियम साइन बोर्ड, और इधर देख सकते हैं आप सामने फाइटर प्लेन, काफी अच्छी। ये रहा टिकट काउंटर, और आप देख सकते हैं प्राइस एडल्ट 100, चाइल्ड 50, और भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलते हैं टिकट लेते हैं पहले, फिर घूमते हैं। ये रहा हमारा टिकट काउंटर, और इधर नेवी मैन, और इधर कुछ नेवी के टी शर्ट्स, कैप, कुछ यहाँ पे मग भी हैं आप देख सकते हैं। और ये रहा वर्चुअल रियलिटी कॉर्नर, वर्चुअल रियलिटी ये क्या होता है देखना होगा। फ्लाइट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। और इधर रहे ये सारी चीज़ें, चलते हैं पहले टिकट ले लेते हैं। और ये रहे जेंटलमैन, तो ये रहे दोस्तों कुछ प्लेन्स, और इधर रहा रडार सिस्टम, ये रहा बहुत बड़ी प्लेन है ये। और ये रही नेवी की हेलीकॉप्टर, और ये रही बड़ी सी प्लेन, और इसकी बहुत बड़ी बड़ी टायर हैं, इतनी बड़ी बड़ी टायर हैं इसकी। और ये ब्लेड बहुत हैवी हैं, ऐसे नहीं चलने वाले टायर कभी, काफ़ी इसकी हैवी है, ट्रक के टायर के जैसे है ये प्लेन के। और उधर भी बहुत सारे हैं, तो काफ़ी बड़ी प्लेन है ये। तो ये रही भाई, घूम रही है, उड़ रही है, अभी उड़ने वाली है, ये साथ ट्रेनिंग वाली है। और इधर देख सकते हैं आप कुछ इस तरह गोवा का नज़ारा। ये रहा अपना चेतक हेलीकॉप्टर, लगे हुए हैं, सबको घूम लेते हैं। फिर इधर मिसाइल्स हैं, ये रहे मिसाइल्स बड़े बड़े, और कुछ ये रहा मशीनरी, और ये अपना प्यारा सा प्लेन सामने, और ये बड़ा सा इंजन।
तो दोस्तों इस एविएशन सिस्टम में आपको बहुत सारी प्लेन्स देखने के लिए मिलेगी और उनके इंजन्स और भी आगे आपको ले चलेंगे। अंदर बड़ा सा हॉल है, उसमें अच्छे अच्छे प्लेन्स हैं और सबकी मेमोरी रखी हुई है और भी सारी चीज़ें हैं। तो पहले ये एक आपका हॉल है छोटा सा, जिसमें इंजन्स लगे हुए हैं, कैसे रनिंग करती हैं इंजन हेलीकॉप्टर प्लेन्स के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो इनकी स्ट्रक्चर है वो हैवी टाइप में है और इनसे बहुत सारी जो है ना हीट निकलती है। तो ये जो एरिया है बहुत इसमें गर्मी था। तो ये सारी थी और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की प्लेन्स देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप प्लेन देखने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और बहुत सारे इंजन्स मिलेंगे, ड्रोन्स मिलेंगे, मतलब जो यूज्ड हो चुके हैं वो सारे चीज़ें यहाँ पे एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं नवल एविएशन म्यूजियम। अब चलते हैं इस अंदर, ये सारा बाहर का था, अब अंदर भी क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। तो अंदर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की गई हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं एक अच्छा प्लेन का पेंटिंग है, प्लस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं। तो अगर आप टाइम निकाल के 3-4 घंटे जाना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नेवी की अच्छी सी पेंटिंग की हुई है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, कौन थे हमारे एडमिरल, फिर बाकी सारे चीज़ें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी लिखी हुई हैं वहाँ पे। और ये रहा सबके बारे में थोड़ी 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 ब्रीफिंग दी हुई है, जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं अच्छी अच्छी चीज़ों में, जिनसे एक थोड़ा सा चेंज आया है सिस्टम में या टेक्नोलॉजी में, तो उन सब के बारे में लिखी हुई है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूरी वॉल पे ऐसे ऐसे एक एक प्रिंट लगा के। और ये नीचे दे सकते हैं कुछ हमारे जो बड़े बड़े शिप हो गए, ऐसे विक्रांत हो गए, विराट हो गए, उनके बारे में एग्जीबिशन लगा हुआ है और भी कुछ अच्छे अच्छे शिप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से उन सब चीज़ों को देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। लास्ट में आपको यहाँ पे एक शो भी दिखाया जाता है, इंडियन नेवी पे बेस्ड एक शो रहेगा, जो आपको एक छोटा सा थिएटर है वहाँ पे आप देखेंगे, तो उसको भी हम दिखाएंगे लास्ट में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फाइटर प्लेन्स ऊपर हैंगिंग करके रखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स हैंगिंग करके लिखे हुए हैं, उसके पूरे थ्योरी उसके नीचे बोर्ड पे लिखी हुई है कि कैसे वर्क करता है, क्या नेम है, कैसे बनाया गया है उसे, कौन से कंट्री से कौन सा कॉन्सेप्ट लिया गया है, मतलब ब्रीफिंग की गई है उसकी हिस्ट्री। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये ट्वाइस की तरह, जो भी फाइटर प्लेन हो गए, एरोप्लेन हो गए या अपने हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसे रियलिटी के ट्वाइज लगते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन दिया गया है जो हमारे मार्टियर हैं जो शहीद हो चुके हैं देश के लिए, तो उनके बारे में एक अलग से रूम है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। और ये कुछ मिसाइल्स आप देख सकते हैं, ये हैं, काफ़ी हैवी हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। और आप जब बिल्डिंग पे चढ़ेंगे तो आपको बाहर का कुछ इस तरह नज़ारा दिखेगा, जो कि हम लोग बाहर का घूम लिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा फोटो गैलरी है, तो आप यहाँ पे फोटो अपना खिंचा सकते हैं, फोटो काफ़ी शानदार आता है क्योंकि बहुत सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये आपका फोटो गैलरी सेशन सिस्टम हो गया, यहाँ पे आप आराम से फोटोज़ अपने ले सकते हैं, यादों को कैप्चर कर सकते हैं। फिर आगे आएंगे तो आपको इधर दूसरे साइड में फ्लोर के मिलेगा कि कैसे जो हमारा पनडुब्बी होता है, सबमरीन होता है, उसके अंदर कैसे जो नवल सोल्जर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, या ऑफिसर्स कैसे रहते हैं, क्या जानकारी उनको दिया जाता है, कैसे उनके लिए सेफ्टी वाली चीज़ें रखी हुई होती हैं, कैसे हमारे कमांडोज जो नवल कमांडोज होते हैं कैसे वो पानी के अंदर जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो अब थोड़ा सा एक शो देखने के लिए मिलते हैं, तब शो को इंजॉय करिए और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। The pioneers and their magnificent flying machines have shown us the way.